बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या कर लिया था? वी हैड डन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, हाँ या ना बच्चों? गाइस यस सर, राइट। अरे काम करो, जस्ट फॉर फन मुझे बताओ, मैंगनीज का अगर हम के एल एम एन की टर्म्स में, इन शेल्स के टर्म में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो कितने होंगे? के शेल में, एल शेल में, एम और एन शेल में, गाइस Mn के 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, डोंट लुक एट द स्क्रीन बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑन द स्क्रीन गाइज, जस्ट ट्राई इट। गाइस कुछ फील आई नहीं आई? यस यही तो हम लोगों का अभी आंसर निकला है। यस गुड, ओके गाइस अब आते हैं नोड पे। गाइस नोड क्या होता है, व्हाट इज अ नोड? नोड इज अ रीजन जहां पे प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड इज अ रीजन वेयर प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो एक ऑब्वियस ही बात है, नोड एंड ऑर्बिटल कैन नॉट इंटरसेक्ट, हाँ है ना? नोड एंड ऑर्बिटल कैन नॉट इंटरसेक्ट, करेक्ट और नॉट गाइस? क्योंकि ऑर्बिटल जो है वहां पे प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, नोड वहां पे है जहां पे प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब गाइस दो टाइप ऑफ नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, अब आते हैं रेडियल नोड पे। एंगुलर नोड को हम समझते हैं थ्रू नोडल प्लेन, एंड रेडियल नोड को समझने का डिफरेंट तरीका है। एंगुलर नोड को समझा जाता है थ्रू नोडल प्लेन, रेडियल नोड को अलग तरीके से समझते हैं। रेडियल नोड, रेडियल नोड क्या होता है बच्चों? ये एक रेडियस है, इट इज अ रेडियस, या लेट अस से इट इज अ स्फेरिकल शेल। ऑफ रेडियस आर वेयर प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। समझो गाइस इसका मतलब क्या है? हमने कहा ये न्यूक्लियस हो गया, इससे r डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल बनाओ। अगर इस पूरे स्फेरिकल शेल के हर एक रीजन पे, हर एक पॉइंट पे, ये एक शेल है, इट इज अ स्फीयर, मतलब ये न्यूक्लियस था हमारा, दिस वाज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड हमने r इक्वल टू r नॉट लेट अस से रेडियस पे एक शेल बनाया, शेल का मतलब स्फीयर बनाया। अब उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे प्रायोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो हम कहेंगे दिस वैल्यू ऑफ रेडियस रिप्रेजेंट्स अ रेडियल नोड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं, बोलो गाइस? यस सर। रेडियल नोड का एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, रेडियल नोड इज गिवन बाय एन माइनस एल माइनस वन, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर अ रेडियल नोड। मतलब वन एस में कितने रेडियल नोड होंगे बच्चों? वन माइनस जीरो माइनस वन, देयर विल बी जीरो रेडियल नोड। टू एस में कितने रेडियल नोड होंगे? टू माइनस जीरो माइनस वन, एक रेडियल नोड होगा। थ्री एस में कितने रेडियल नोड होंगे? टू रेडियल नोड होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस यस सर। इसको ऐसे भी देख सकते हो यार, एस तुम्हारा स्टार्ट ही वन से हो रहा है तो इसमें कोई रेडियल नोड नहीं। टू एस का मतलब है उससे पहले एक वन एस आ चुका है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग एक रेडियल नोड आएगा। थ्री एस से पहले तुम्हारे टू एस आ चुका है, वन एस आ चुका है, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग देयर विल बी अ रेडियल नोड। तो थ्री एस में कितने रेडियल नोड होंगे? टू एस और वन एस के बेसिकली कोरिस्पॉन्डिंग दो रेडियल नोड आ जाएंगे। मतलब अगर तुम टू पी देखते हो,
पी स्टार्ट फ्रॉम टू ओनली, तो यहाँ पे रेडियल नोड विल बी जीरो। थ्री पी देखोगे तो दिल बी वन रेडियल नोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू पी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस। थ्री डी देखते हैं तो उसमें कितने रेडियल नोड होंगे? इट स्टार्ट फ्रॉम थ्री ओनली, तो दिल बी जीरो रेडियल नोड। ठीक है ना गाइस? फोर एफ देखोगे दिल बी जीरो रेडियल नोड। लेकिन सपोजिंग तुम फाइव एफ देख रहे हो, उसमें दिल बी वन रेडियल नोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फोर एफ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ फील आ गई? What yes. I mean, good. Otherwise, you can always use the formula n minus l minus 1. अब आते हैं एंगुलर नोड पे बच्चों। Let us come to एंगुलर नोड। एंगुलर नोड पे आते हैं, हम क्या कहेंगे? एंगुलर नोड इज रिप्रेजेंटेड या इट इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एटम। इट इज अ प्लेन passing through center of atom. Center of atom में से एक plane pass कर रहा है and probability of finding electron is zero on that plane. समझे नहीं समझे guys? समझ तो गए होगे, कोई दिक्कत नहीं? हाँ या ना? Yes sir. हम कहेंगे s subshell का जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा हमारा ऑर्बिटल। गाइस क्या तुम कोई भी प्लेन ऐसा डाल सकते हो जो तुम्हारा ऑर्बिटल को कट ना कर रहा हो? यू ट्राई मेकिंग एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एटम, यू रियलाइज इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट द ऑर्बिटल। हाँ है ना? फील आ रही है नहीं आ रही है? कोई भी प्लेन पास करो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एटम, इट विल ऑलवेज इंटरसेक्ट द ऑर्बिटल। हाँ है ना बच्चों? यस सर। इफ इट इज और कटिंग द ऑर्बिटल, डू यू रियलाइज गाइस कि प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो ऑन दैट प्लेन, क्योंकि ऑर्बिटल एंड नोड कैन नॉट इंटरसेक्ट। हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? मतलब तुम ये चीज समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि यू कैन हैव नो एंगुलर नोड या नो नोडल प्लेन इन एस ऑर्बिटल? ये चीज समझ में नहीं आई गाइस? In s orbital there is zero nodal plane, क्योंकि कोई तुम ऐसा प्लेन नहीं डाल पा रहे जो सेंटर ऑफ एटम में से पास कर रहा हो, सेंटर ऑफ एटम के थ्रू पास कर रहा हो एंड वो ऑर्बिटल को कट ना कर रहा हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes. तो यू विल हैव जीरो नोडल प्लेन या जीरो एंगुलर नोड। P में देखते हैं, P का लेटर से हमने पी एक्स ऑर्बिटल लिया, दिस इज पी एक्स। तो क्या हम कह सकते हैं दिस ये सेंटर ऑफ एटम हो गया? इफ यू पास अ प्लेन लाइक दिस, डू यू रियलाइज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एटम एंड यहां पे इट इज नॉट कटिंग द ऑर्बिटल एट एनी पॉइंट? हाँ है ना बच्चों? तो हम कह सकते हैं इजिली प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन दिस प्लेन इज जीरो। तो पी एक्स के लिए वाई जेड प्लेन इज नोडल प्लेन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। तो इसमें वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन। हम कहेंगे अगर पी वाई लेते हैं तो उसके लिए कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होगा? एक्स जेड। क्लियर और नॉट बच्चों? पी वाई ऑर्बिटल के लिए एक्स जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन। गुड। तो बेसिकली फॉर पी ऑर्बिटल you have got how many nodal planes? One nodal plane. या हम कहेंगे you have got one angular node guys. समझे या नहीं समझे? अब आते हैं d orbital पे बच्चों। d orbital is of this type. हम कहेंगे इसमें तुम्हारे दो नोडल प्लेन आ सकते, एक और दो। हाँ है ना? फॉर और डी ऑर्बिटल यू कैन हैव टू नोडल प्लेन। हाँ है ना बच्चों? चीज समझ आई नहीं आएगा? यस। तो अगर ये हम लेते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स वाई ले रहे हैं तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे तुम्हारा इन दिस केस एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन
आर नोडल प्लेन्स। हैप्पी और नॉट बच्चों? बच्चे बोल ही नहीं रहे, समझ गए ना गाइस? तो डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन्स, हम कहेंगे फॉर्मूला है हमारे पास एंगुलर नोड या नोडल प्लेन निकालने का। एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल। कितने एंगुलर नोड होते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल? एल के बराबर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एस के लिए एल वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो वी हैव गॉट जीरो एंगुलर नोड, हमने देखा था। पी के लिए एल वैल्यू वन होती है, यू हैव गॉट वन एंगुलर नोड, जो कि हमने देखा था, या वन नोडल प्लेन। डी के लिए देखोगे एल वैल्यू इज टू, यू एल हैव टू नोडल प्लेन या टू एंगुलर नोड। बट अंडरस्टैंड करो गाइस, डी जेड स्क्वायर का केस देखो। डी जेड स्क्वायर इज लाइक दिस, हम कहेंगे यू कैन हैव नो नोडल प्लेन, यू विल हैव नो नोडल प्लेन। क्योंकि नोडल प्लेन डी जेड स्क्वायर के लिए बनाना चाहोगे, ऐसे बनाना चाहोगे, एंड ऐसे वो रिंग को टच करेगा, सो देयर कैन बी नो नोडल प्लेन इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर गाइस। एंगुलर नोड स्टिल देयर विल बी टू, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर नोड एंड नोडल प्लेन। फॉर्मूला हमारा एंगुलर नोड के लिए एल, यहां पे नोडल प्लेन नहीं है, बट एंगुलर नोड विल स्टिल बी टू गाइस। समझा नहीं समझे बच्चों? गाइस ओके, अब आते हैं साई पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द कर्व्स। साई इज योर वेव फंक्शन, या इट टेल्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई स्क्वायर क्या बताता है? इट टेल्स अस इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ये हमें प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस बताने में, निकालने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस सर। राइट, अब हम कहेंगे इसमें साई स्क्वायर कैन बी रिटन एज योर रेडियल फंक्शन प्लस वेव फंक्शन। साई स्क्वायर के दो पार्ट्स हैं, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन गाइस, थीटा एंड फाइ एंगल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा रेडियल फंक्शन हो गया, ये हमारा एंगुलर फंक्शन हो गया, ठीक है गाइस? तो हम जो रेडियल फंक्शन है उसकी बात करते हैं कि एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इट टेल्स अबाउट कि एक पर्टिकुलर कितना डिस्टेंस दूर, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड दिस टेल्स द एंगल जिस पे हमें देखना है। समझ आया नहीं आया गाइस? एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, अभी समझ में आ जाएगा बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम कहेंगे पी एक्स को देखो, ये हमारा पी एक्स, ओके? हम कह रहे हैं इसमें वी आर गोइंग अलोंग द दिस एक्सिस, सो ये पी एक्स है ये हमारा, तो वी आर लुकिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। हम कहेंगे हमने डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एट आर डिस्टेंस व्हाट इज द प्रायोरिटी फ्रॉम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। आर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सेंटर ऑफ एटम, यहां से इतनी दूरी पे व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इतनी दूरी पे व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इस डिस्टेंस पे व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बोलो। यस राइट, तो वी आर लुकिंग एट द रेडियल पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमारा प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, इसमें रेडियल पार्ट भी है, एंगुलर पार्ट भी है, ओके गाइस? तो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कर्व, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। जो साई और साई स्क्वायर देख रहे हैं उसमें हम रेडियल पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट बच्चों, क्लियर है गाइस? जो साई है, दिस साई, दिस वाज अ फंक्शन ऑफ, इट वाज अ, इट हैड टू कंपोनेंट्स, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो हमारा जो साई स्क्वायर था वो मैंने बता दिया, उसके अंदर रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों है, और हम रेडियल पार्ट के बारे में बात करेंगे, विल नॉट टॉक अबाउट द एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट की जरूरत कब पड़ती है गाइस बाय द वे? या रेडियस से किस में जरूरत नहीं पड़ती है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
क्योंकि बंदा स्फेरिकल है, स्फेरिकल का मतलब समझ लो किसी भी डायरेक्शन में जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल जस्ट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आर एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई। समझा नहीं समझेगा, सिमेट्रिक है भाई, तुम्हारा उसमें थीटा और फाई का कोई रोल नहीं है, हाँ या ना बच्चों? यस सर। गुड, लेट अस डिस्कस द वेव फंक्शंस बच्चों, वेव फंक्शन एंड देन प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन एंड देन प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या बच्चों देखते हैं, सबसे पहला हमारा R वर्सेस R, हम कहेंगे R वर्सेस R फॉर 1s बच्चों। 1s के लिए कैसे आता है, इट गोज लाइक दिस, सॉरी इट विल नॉट बी टचिंग, इट गोज लाइक दिस। 2s के लिए क्या होगा बच्चों, 2s के लिए इट्स डिफरेंट, 2s के लिए इट गोज लाइक दिस R वर्सेस R। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस आर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम, दिस इज फॉर 2s। तुम रियलाइज करोगे गाइस यहां पे इसकी वैल्यू नेगेटिव जा रही है आफ्टर दिस पॉइंट। कई बार लोग इसे डिफरेंट तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। करूं बेटा नीचे कर दो। कई बार लोग इसे ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे, बट दैट इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जीरो इसे माना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पिलाई नहीं आई बच्चे, बोल ही नहीं रहे। ओके फाइन, ये हमारा आ गया 2s के लिए। अब आते हैं 2p के लिए बच्चों, 2p। अब आते हैं 3s पे बच्चों, अभी इसमें कुछ चीजें बतानी मुझे, मैं अभी बता दूंगा, चिंता मत करना। Hold on. That is how it goes. This is for 3s bachcho. I will just keep noting it down. Ab aate hain r square versus r. Matlab tumhara radial part of wave function ka square. Isse hum basically is curve ko kya bolte hain, priority density function. अंडरस्टैंड करो गाइज, इट हेल्प्स अस मेजर द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, यहां पे एट आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, बट दिस इज प्रायोरिटी डेंसिटी गाइज, इट डज नॉट एग्जैक्टली टेल अस द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इससे मेजर कर सकते हो प्रायोरिटी को इस फंक्शन को यूज करके, बट इट डज नॉट एक्चुअली टेल अस द प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। गाइज एक काम करो, कर देखो पहले आर स्क्वायर वर्सेज आर का, फॉर 1s इट गोज लाइक दिस। तुम रियलाइज करोगे अगर तुम कर्व को बनाने लगोगे तो तुम्हारी जो स्टीपनेस है वो बढ़ जाएगी, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? समथिंग ऑफ दिस काइंड, मतलब यहां पे भी नीचे, यहां पे ऊपर और यहां पे नीचे, इस तरीके से जाएगा कार्य। क्लियर है? दैट इज हाउ इट विल गो, मतलब 1s के लिए सेम ही है, हाँ मोर और लेस, वेरी लेस डिफरेंस। मतलब ये हो गया एक तरीके, y इक्वल टू 1 बाय x बनाना और y इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर बनाना। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? तो इट गोज ऑन अ सिमिलर पैटर्न, तुम्हारा हो सकता है स्लोप में थोड़ा बहुत फर्क आए, अदरवाइज इट इज वन एंड द सेम। अब आते हैं 2s पे, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस कि अब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो द कर्व विल गो समथिंग लाइक दिस। It will go something like this. यहाँ तक किसी बच्चों को कोई doubt का है? No sir. For 2s. Fine. अब guys देखो, चलो पहले मैं बना ही दूँ, this was for 2s. सारे बना दूँ, then I'll discuss. अब आते हैं guys. हाँ बेटा बोलो. Sir वो x axis को touch कर रहा है. हाँ, it over here it is touching the x axis. यहाँ पे it is going along. अब आते हैं
टू पी पे। तुम रियलाइज करोगे गाइस टू पी भी वैसा ही बनेगा जैसा तुम्हारा उसका उसका बना था। किसका बना था? साई वर्सेस आर का बना था, वैसा ही साई स्क्वायर वर्सेस आर का। 3S को देखो बच्चों, 3S का कर्व विल बी नाइस। दैट इज हाउ टू गो। सर इसमें दोनों तरफ से वो टच हो रहा है। हाँ यहाँ पे दोनों पे टच हो रहा है। ठीक है ना, दिस इज फॉर, दिस वाज फॉर 2P, दिस इज फॉर 3S। वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो कार्ड में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है 3S का, या ये चीज ऊपर की तरफ आ गई, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके गाइस, यस। अब आते हैं प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अरे याद रखना ना ग्राफ। हाँ बेटा बिल्कुल। प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देयर इज प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वर्सेस आर। ठीक है ना गाइस, एक्चुअली प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को देखो बच्चों हाउ वी डिफाइन इट। प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली डिफाइंड एज, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इंटू 4πr² dr। That is how we define it. Basically, volume of spherical shell into the distance of the shell from center of atom. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Clear है guys? That is how we define priority distribution function. Fine. तो हम जो curve देखेंगे, the curve will be between 4πr² versus r. इसके बीच में हम curve देखते हैं, and this curve is nothing but priority of finding electron. बच्चों. Clear or not, guys? Yes. Okay. Priority of finding electron versus R. हम कहेंगे guys यहां पे हम basically क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा था 1s के लिए, this was R square. हम इसको R square into R square, इसका curve देखना चाह रहे हैं versus R. तो बच्चों एक चीज देखो यहां पे, कहां पे? यहां पे, क्योंकि R is tending to zero, तो don't you realize guys कि ये curve zero पे तो zero को ही hit करेगा, because the value that we wanted to find out was 4πr² versus R की, हाँ या ना बच्चों? तो do you realize zero पे तो ये zero ही hit करेगा, because at that time उस point पे R की value zero जाएगी, हाँ या ना? तो guys तुम्हारा ये जो curve निकल के आता है 1s के लिए, it goes something like this बच्चों। This is how it goes. Clear है? This is the curve for 1s. अब आते हैं 2s पे. Let us go on to 2s. 2s के लिए curve goes something like this. Okay. That is how the curve goes. ये से touch नहीं कर रहा बच्चों, okay? Clear है यहां तक? यहां पे touch कर रहा है. Fine. This is for 2s. Priority of finding electron versus R. अब आते हैं guys किसके लिए? Let us go on to 3s. के लिए कैसे जाएगा? 1, 2, 3. That is how it will go guys. It will be intersecting the टचिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज फॉर 3s. फाइन, अब आते हैं 2p पे. 2p ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2p ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वर्सेज आर, यहां पर भी क्या गया 2p ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वर्सेज आर, दिस टाइम फॉर 2p. This is how it will go. 2p के लिए गाइस. 3p के लिए कैसे जाएगा? बचेंगे सर, कुछ ज्यादा ही करोगे सर. इसके और 1s में क्या डिफरेंस है 2p और 1s में? बेटा
कर्व की टर्म में देखा जाए कोई खास डिफरेंस नहीं है, नथिंग समथिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई जस्ट बाय लुकिंग एट द कर्व। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों में कुछ आ गया ऐसा तो फिर क्या करेगा? नहीं आएगा, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से। ठीक है बेटा, यस सर। नहीं देंगे वो, इतने कर्व नहीं देते। वो कहना कि 2P भी जाके टिक जाते हैं, 2P का भी नॉर्मल तुम्हारा किस चीज की बात कर रहे होते हैं, प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन की, ना कि प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आ गया 3P के लिए। और तुम इसमें भी कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3P एंड 2S? हाँ है ना, करेक्ट। अभी बताता हूँ, 3D के लिए बताता हूँ। लास्ट थिंग दैट वी आर गोना डिस्कस इज 3D। This will be for 3D. इसके लिए आई गॉट अ फीलिंग, अच्छी फील है, मैं अभी बताता हूं। ध्यान से देखो, ऊपर आ जाओ। वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द कर्व्स गाइस, बहुत सारे कर्व हमने कर लिए। अब इन कर्व्स को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, व्हाट डू दे एग्जैक्टली मीन एंड हाउ टू सॉल्व देम। बेटा देखो, यहां पे आते हैं 1s, 2s, 2p, 3s। साय वर्सेस आर या रेडियल पार्ट ऑफ साय वर्सेस आर, इसमें इट डजंट हेल्प मच। इन कर्व्स को तुम याद कर लो, ठीक है गाइस, इसमें देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू। इसमें बस एक चीज का ध्यान देना, जहां पे ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है गाइस, ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स योर रेडियल नोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेयर दिस रिप्रेजेंट्स योर, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स योर रेडियल नोड। This value of R represents radial node, क्योंकि हमें radial node पे क्या होता है, priority of finding electron zero होता है at a particular value of R। हाँ है ना बच्चों? हम कहेंगे उस वक्त हम क्या करते थे, 4 pi R square equal to zero करेंगे। हम कहेंगे उस वक्त या तो R zero हो जाए या small R zero हो जाए, या small R zero that does not represent a radial node, क्योंकि वो तो nucleus है। R equal to zero मतलब distance from nucleus हमने क्या कर दिया, zero। उस वक्त तुम्हारा 4 pi r² साई स्क्वायर की अगर वैल्यू जीरो जा भी रही है, वी विल नॉट से r इक्वल टू जीरो इज अ रेडियल नोड। भाई न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं होता। तो गाइस जहां पे ये वैल्यू ऑफ r, दैट वैल्यू ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, जहां पे वो वैल्यू जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड अ रेडियल नोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेयर द वैल्यू ऑफ कैपिटल r बिकम जीरो, That value of small r, जहां पे capital R zero हो गया, that value represents a radial node। हाँ या ना? तो तुम देख सकते हो 2s में एक radial node आता है, तुम्हें formula भी पता है n-l-1, तुम्हें पता है यहां से एक radial node आता है, and that corresponds to this value of radius का है। समझे या नहीं समझे? Yes sir। 2p में there is no radial node, दिख भी नहीं रहा है हमें। 3s में there are two radial nodes का है। हाँ या ना? That is what you will get। क्लियर? अब आते हैं आर स्क्वायर वर्सेस आर। यहां पे तुम देख सकते हो दिस इज द रेडियल नोड, यहां पे दिस इज द रेडियल नोड, दिस इज अनदर रेडियल नोड। 3s में दो रेडियल नोड दिख गए जो कि दिखने भी चाहिए। 2p में कोई रेडियल नोड नहीं हमें दिख रहा है, देयर इज नो रेडियल नोड। तुम कहोगे सर यहां पे वैल्यू जीरो आ रही है, यार ये तो तुम्हारी डिफरेंट रीजन से आ रही है, मतलब लिविंग असाइड योर आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो का एलिमिनेट करके जहां पे r की वैल्यू जीरो आए, कैपिटल r की वैल्यू जीरो आए, लिविंग असाइड स्मॉल r इक्वल टू जीरो, हम क्या कहेंगे, देयर इज अ रेडियल नोड। हाँ है ना? ये r इक्वल टू जीरो पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ रही है, दैट इज फॉर अ डिफरेंट रीजन गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो। हेलो, राइट, गुड। अब आगे प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कर्व पे, यहां पे दिस रिप्रेजेंट्स अ रेडियल नोड, यहां पे दीज टू रिप्रेजेंट अ रेडियल नोड। 2p में there is no radial node, 3p में there is one radial node corresponding to this value। formula के हिसाब से देखते हैं, there will be no problem। 3d में again there is no radial node। अब बच्चों एक और काम की चीज ध्यान से देखना, हम कहेंगे what is the radius, अगर हम इसे Bohr model से relate करना चाहें, if we just try to relate it to Bohr model, तो बच्चों do you realize कि हमारा यहाँ पे ध्यान दो, 1s के लिए ये radius की value है जहाँ पे priority of finding electron maximum है। हाँ या ना? बोलो गाइस। मैं तुम्हें बता रहा था पहली चीज, ये तो तुम समझ गए ना कि जीरो पे प्रायोरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो जाएगा ही जाएगा। हाँ है ना? यस, राइट।
गाइस ये वैल्यू ऑफ रेडियस वो है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, हाँ या ना। मतलब ये एक तरीके से ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, हाँ या ना। या हमारा बोर की टर्म में ऑर्बिट की वैल्यू यही होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्बिट जो बोर कहता था वो तो ये कहता था कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। हम कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैक्सिमम है। तो डू यू रियलाइज गाइज, अगर हम बोर के हिसाब से देखें तो दिस वैल्यू डिनोट्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हाँ या ना। ये चीज समझ में आई नहीं आई, बोलो गाइज। दिस वैल्यू डिनोट्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, हाँ या ना गाइज, बोलो। तो दिस वैल्यू शुड एक्चुअली बी व्हाट, दिस वैल्यू शुड बी 0.529, एन स्क्वायर इज बेसिकली योर 1 बाय हाइड्रोजन एटम की बात करें, दिस वैल्यू शुड बी दिस गाइज। समझे या नहीं समझे बच्चों, बताओ। ये जो वैल्यू ऑफ आर है इट शुड बी दिस, क्योंकि बोर के हिसाब से यहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए था। अब आते हैं 2s पे गाइस। 2s में देखा जाए तो दिस इज वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इस वैल्यू ऑफ रेडियस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। तो हम कहेंगे दिस इज द वैल्यू 0.529, एन की वैल्यू यहां पे क्या डाल देंगे गाइस, 2s की बात करें ना, एन की वैल्यू यहां पे 2 डाल दो, एन स्क्वायर बाय जेड दे मारो, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस? यस राइट, दिस इज वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो दिस इज वेयर द एन इक्वल टू 2 ऑर्बिट का रेडियस होना चाहिए, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू। अब आते हैं गाइस सी एस में, तुम रिलेट कर सकते हो आसानी से। दिस इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, दिस वैल्यू ऑफ आर। अब बच्चों 2p में एक रेडियल नोड था, 3d में कोई रेडियल नोड नहीं था, राइट। अब मुझे ये बताओ, जस्ट अ थिंग, ध्यान से सुनना, ये डायग्राम वाइज फील नहीं हो रहा होगा, डायग्राम में मैंने ऐसे ही बनाया, अप्रोक्सीमेशन थोड़ी ना लिए। ये वैल्यू ऑफ आर और ये वैल्यू ऑफ आर में से कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए गाइस, कोई बताएगा मुझे? ये जो मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ कि हाँ यार बिल्कुल करेक्ट है, एक नॉर्मल टर्म में पूछना चाह रहा हूं, बिटवीन दिस एंड दिस, ये वैल्यू ऑफ आर और ये वैल्यू ऑफ आर में से बड़ी वैल्यू किसकी होनी चाहिए? 3d की होनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि 3p इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन 3d, हाँ या ना? यस राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 3d एंड लेट अस से तुम्हारा और ऐसा कर्व किसका था, 2p का, हाँ या ना। 2p विल बी क्लोजर देन 3d, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये कर्व अगर 2p और 3d का बनाना चाहोगे तो 2p का हो सकता है ऐसा जा रहा हो, 3d का हो सकता है ऐसा जा रहा हो। समझे या नहीं समझे गाइस? फील आ रही है? उसकी जो पीक आ रही होगी, उसकी जो पीक आ रही होगी वो तुम्हारी कैसे आ रही होगी, पहले आ रही होगी 2p की एज कंपेयर टू 3d, हाँ या ना, या 1s की और पास होगी एज कंपेयर टू 2p, पीक इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? अब मेरे ख्याल से तुम्हारा भी क्लियर हो गया होगा कि हाउ डू यू रिलेट कि कौन सा तुम्हारा किस चीज का कार्य है। यस सर, हो गया, दैट्स नाइस। इन अ वे गाइस, इन अ वे वी आर डन विद द चैप्टर, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, नाउ द ओनली थिंग दैट रिमेन्स टू बी डन आर द क्वेश्चंस एंड द जेई क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस जो मैं शीट में दूंगा एंड द जेई क्वेश्चंस।